वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। प्रसाद की बात आई, कृपा का स्वरूप क्या है, क्या है जिस कृपा से मानव शरीर मिला, जिस कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से जिस कृपा से गीता का परिचय हुआ, जिस कृपा से नाम की महिमा सुनने को मिली, जिस कृपा से ये संयोग बैठा है वही कृपा उद्धार करेगी, ऐसा निश्चय करके निश्चिंत रहो। और जिससे इतनी सामग्री मिली है वो कृपा से ही मिली है, तो जिससे इतनी कृपा मिली है उसकी कृपा से ही कल्याण होगा हमारा, उस कृपा का भरोसा रखो। अपना तो केवल भगवान की आज्ञा पालन करना है, भगवान के आशय के अनुसार चेष्टा करना है, हमारे करने से कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं, उसकी कृपा से होगा। जहाँ ऐसा विचार कर लिया और निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, हमारे लिए करना कुछ नहीं है केवल कृपा से ही होगा, वहाँ जो ये दो चार दिनों में बात चली कर्म निरपेक्ष, वो कर्म निरपेक्ष में जाएगा।
जहाँ कृपा का भरोसा रखकर निश्चिंत हुए, निर्भय हुए। और मूल में बात ऐसी है कि प्रयत्न रहित हो गए, अप्रयत्न हो गए, अपने उद्धार करने का अपना प्रयत्न, अपने खुद आज्ञा के पालन करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। हमें कुछ नहीं करना है अपने लिए, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। जिस कृपा से इतना हुआ उसी कृपा से उद्धार होगा। इस बात से कल्याण की चिंता को छोड़ देना, एकदम उद्धार की चिंता को भी छोड़ देना, ऐसा कर देना तो मुख्य कृपा हो जाएगी। जिस कृपा से तरीशी कहा है वो मुख्य कृपा हो जाएगी। देखो एक मार्मिक बात है, आप स्वयं विचार कुछ कुछ करते हैं ना, वो आपका ही माना जाएगा, चाहे इंद्रिया से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, शरीर से हो, कुटुंब से हो, रुपया से हो, सामर्थ्य से हो, आपके अधिकार मिला उनसे हो, जो काम आप करोगे वो आपका काम हो जाएगा। ये एक मार्मिक बात, जो ही करोगे आप वो करोगे वो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। और आप भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ। कुछ विषय का हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, कभी कुछ नहीं करना। जिस कृपा से ये सब संयोग मिला उसी कृपा से उद्धार होगा। हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं करना है हमें, तो बस उनके शरण लेना है। और हमें कुछ नहीं करना तो वो जो कर्ण निरपेक्ष साधन है वो साधन हो जाएगा, कृपा से होगा। कृपा से हुआ है, कृपा से हो रहा है, कृपा से ही होगा। हमें कुछ नहीं करना है तो आपके लिए कुछ नहीं करना हो जाएगा, अमुक करना है तो आपके लिए करना हो जाएगा, चिंता करोगे तो आपके लिए करना हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा सुतो, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। माम एकम शरणम ब्रज, एक प्रभु के चरणों के शरण हो जा। वो शरण भाई किस वास्ते कहते हैं कि अहंकार का आश्रय लिया, इस वास्ते कहते हैं। यदि अहंकार न सोचे विनय से, अहंकार आश्रित नहीं उसे मन्य से, तो अहंकार का आश्रय है ये ठीक नहीं है। अहंकार का मैं अमुक कर लूंगा, करूंगा ये, करूंगा ये, अहंकार का आश्रय है, ये आश्रय छोड़ दे। माम एकम, मेरी अनन्य शरण से मेरा आश्रय ले ले और तुम चिंता मत करो। ये बहुत ही गंभीर बात है, बड़ी सीधी बड़ी सरल, परंतु करने का अभिमान जब तक रहता है तब तक बड़ी कठिन है। ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करने का अभिमान रहने पर ये शरण होना कठिन है। अगर अभिमान न हो तो इतना सुगम है कि जैसे नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम करते हो कुछ परिश्रम नहीं, ऐसे नींद आ जाती है, ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए। चलते फिरते हरदम अपने कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ करना है ही नहीं हमारे को, मैं तो करता नहीं, उसी कृपा से हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है। अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, कुछ भी आवे उसमें प्रसन्न रहे कि भगवान की कृपा है। अनुकूलता में कृपा है और प्रतिकूलता में विशेष कृपा है। भगवान ने अपने को अपने अपना लिया, अपना लिया, इस वास्ते हमारे से पूछते नहीं। बच्चे को माँ जब अपना मानती है तो स्नान कराना पूछती नहीं, सम्मति नहीं लेती बच्चे की, बालक की सम्मति लेती नहीं, वो अपने ठीक समझे जो कर देती है। बच्चे क्या बूढ़ी, क्या सम्मति ले इसकी, समझते तो है नहीं। स्नान करो तो रोएगा, अब क्या समझे, ठीक करते तो रोता है, समझता नहीं, तो माँ सम्मति नहीं लेती। ऐसे निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और प्रयत्न रहित हो जाओ। अपने लिए कुछ भी नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं हमारे लिए,
आज्ञा के अनुसार, भगवान के मन के अनुसार, भगवान के सिद्धांत के अनुसार हमारी चेष्टा होती रहे। हमें चिंता कुछ करना ही नहीं है। ऐसे हो जाओ तो भगवान की कृपा काम करेगी। सभी भगवान की कृपा कर रही है, ये बीच में अपना अहंकार अड़ा करके आठ बजाता है। क्यों इतना काम आठ ही लगा देता? बस हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, क्या कर लोगे? आपस कर लो, कोई नहीं और कुछ नहीं कर सकते, फंस जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी नाराज होते हो, फंस जाते हो। क्यों राजी, क्यों नाराज हो? अच्छा सदवैद्य है, हमारे हितैषी है, पीयूष पानी है, वो उसके दवाई दीवड़ी बड़ी सिद्ध होती है। ऐसे अगर हमारे हितैषी है फिर हम चिंता क्यों करें? वो दया हुई लेने, ये काली है कि ये तो सफेद है, कि गंग अच्छी नहीं है, कि रंग अच्छा नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं, क्या मतलब हो रहा? अच्छा हो, मंदा हो, कड़वी हो, मीठी हो, सुंदर हो, असुंदर हो, कैसी हो? वो देते वो ठीक है, जो परिस्थिति भेजते वो ठीक है, ठीक बेठीक अपनी तरफ से नहीं। जैसे शेठ जी की बात सुनाई कि हमारा सब मनमानी होती है, कैसे होती है? हम मन से विचार ही नहीं करते, भगवान के मन के साथ हमने मन मिला दिया। होता तो हमारी मर्जी से ही होता है, क्यों? हमारी मर्जी भगवान की मिला दी, भगवान से राम की न चाहे सुई हुई, करे अंधकार नहीं कोई, भगवान करते कोई होता है तो हमारा मन चाहा ही होता। हमारा मन चाहा, भगवान की चाह मिला दी, तो जो होता है हमारा मन चाहा होता, सदा मन चाहा होता। अभी जीवन मुक्त हो जाओ, अभी कर्म रहित, कर्तृत्व रहित, कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान अपादान, इसके कर्तृत्व क्रिया से रहित, क्रिया और पदार्थ को प्रकार है प्रकृति, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, वह हमें कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है और कुछ हमारे करना नहीं है। ऐसे होकर भगवान का दिए, भगवान की जैसे मर्जी वो करो, उसमें हमें हाँ मिला देना। शरणागति असली क्या? कहा मां मिला देना, इस तरह शरणागति है। हाँ बहुत ठीक, यू कर बहुत ठीक, यू कर बहुत ठीक, राजी है तेरी रजा में, तेरी जो आज्ञा है उसी में हम राजी। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ करना है ही नहीं। जीवन मुक्त हो गया वो, अब जीवन मुक्त है वो, उसे जो कराते हैं भगवान कराते हैं। अरे उस क्रिया में, उसके आचरण में ऐसी शक्ति आ जाती है कि दुनिया का उद्धार होता है, स्वाभाविक दुनिया का कल्याण होगा। उसकी क्रिया सब भगवान की हुई होगी, जो कुछ आचरण होगा वो सब भगवान का किया हुआ होगा। मोक्ष में मां सोचा तू चिंता मत कर, बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दे, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सामने काम आवे, जो परिस्थिति आवे अच्छे से अच्छा उपयोग उसका कर देना। संत साधक सुनो, अपने अनुकूलता कर, प्रतिकूलता का उपयोग, अनुकूलता हो और वस्तु मिल गई तो उनके द्वारा दुनिया का हित कैसे हो, सुनो सुख आसाना है। अरे प्रतिकूलता हो तो भीतर से इच्छा का त्याग कर देना, अपनी सही नहीं, प्रतिकूलता बहुत मौजूद है। बुखार आ गया कि बुखार उतर जाए, सही नहीं हमारी घाटा लगे, हमारे घाटा न लगे हम इसे नहीं करते। कोई घर के मर गया तो मर गया, हम इसे नहीं करते जी जाए, बीमारी मिल जाए हम क्यों इच्छा करे? ठाकुर जी की मर्जी से होता है वो, ठीक है, हम तो उसकी आज्ञा के अनुसार से रहे, आज्ञा विरुद्ध नहीं चलना है। तो करने में तो सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, वो कृपा काम कर देगी। होने में तो प्रसन्न रहे, करने में सावधान, भगवत आज्ञा से विरुद्ध नहीं करेंगे। भाई हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उससे विरुद्ध काम नहीं करेंगे, बस इतना ही निगरे करिए। कोई भी हमारी क्रिया भगवान आज्ञा से विरुद्ध न हो जाए, इतना ख्याल रखना, फिर करना आप ही करा लेंगे वो कृपा। सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद करेश, दो चीज है संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, संसार से हटना, परमात्मा में लगना, दो बात है ना। तो भगवान कहते हैं सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा करिष्यसि,
और मत प्रसाद आपने होती शाश्वतम पद भी गुरु जी का मत प्रसाद आ रहा है तो संसार के विघ्नों के हटने में मेरी कृपा काम करेगी और मेरी प्राप्ति में मेरी कृपा काम करेगी। तू चिंता मत कर। तो संसार से हटने में तो अत्यंत नाश हो गया दुखों का संताप का ये नाश हो गया और परमात्मा के पास आनंद प्राप्ति होगी। तो दुखों का अत्यंत अभाव और परम आनंद की प्राप्ति ये दो का नाम है मोक्ष। तो दोनों भगवान कहते हैं मेरे से होगा मत प्रसाद तरीके से। तो भगवान के चरणों के शरण हो गया बिल्कुल अन्यन्यास आश्रय पर भगवान का है। हमारी क्रियाओं का पदार्थों का बुद्धि का विज्ञता का जानकारी का कोई आश्रय नहीं है। हमारा आश्रय केवल भगवान का है। मैं भगवान का हूँ तो उसी कृपा सब काम करेगी स्वतः खुली कृपा काम करेगी। आप कुछ मन लगा दो करना पड़ेगा तो उतनी आड़ लग जाएगी। जन कर ले भगवान कह जाए तुम कर तो क्या कर लो जन्म और मरण जन्म मरण किया उसका भरोसा ले लो बस। अपने तो केवल उसका इशारा मालूम हो जाएगा ऐसे भगवान से वही काटना शुरू कर देना। एक बाबा जी नौका में बैठे जा रहे थे तो चलते चलते भंवर आ गया और घूमने लगी। अब वह डाल मानती नहीं है नौका तो उसने कहा मल्ला आने के भाई अब अपने अपने इसको याद करो अब पता नहीं है भंवर में आ गई है तो डूब भी जाएगी तो पता नहीं है अब कोई अपने हाथ की बात नहीं है अपने इसको याद करो। तो बाबा जी बैठे थे बड़ा तुम बल्ले लेकर पानी भरने लगे नौका में जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम नौका में पानी भरने इतने और चक्र से बाहर निकले। मल्ला बोला कि अब कोई खतरा नहीं अब ठीक है हमारा दान मानती है गीता का नौका अब कोई बात नहीं। जय नौका मर गया जय सियाराम जय जय सियाराम पानी साल लगे। तो सबने कहा बाबा तू पागल है क्या जब डूबने लगी तो पानी भरने लगा अब तक चले लगे पानी निकालने लगा वो दया नहीं आती कितने आदमी बैठे सब डूब जाते थे। तो वो बोला कि मैं कोई अलग था क्या दया तो तब है मैं अलग था आप अलग थे तो ये मूर्खता काम क्यों किया। मूर्खता का नहीं हमारे को पूरा पता नहीं लगता डबोड़ी बात आई तो हम समझा भगवान डबोना चाहते है तो लागे बहुत ठीक हम तो हाँ हाँ मिला दिया उसमें अपने मदद करो कि भगवान डबोड़ा ही है अब तो बाहर निकल गई नहीं डूबेगी तो भगवान की मानने की वजह उद्धार करना है तो अपने पान फेंकने के बाद हमें जीने से मरने से क्या मतलब है हमें तो मालूम हुआ भगवान की ये इच्छा है ठीक है उसे नहीं करने लग गया बस। तो इसमें पानी भरने वाले को लिए मत लेना और पानी निकालने वाले ले लेना आज ले लेना आज नहीं ठीक है भगवान की मर्जी है तो निश्चिंत रहो चिंता मत करो वो पानी भरना शुरू किया आपको भरना नहीं चिंता छोड़ देनी कि ठाकुर जी की मर्जी है बड़ी अच्छी बात बहुत अच्छी बात आनंद की बात। हमने एक बात सुनी है कई वर्षों पहले पानी बरसा खूब चौत्र संबत में हुआ किसमें याद नहीं हमें सुनी है बात पता भी नहीं हमें सुनी हुई बात है कब की है बहुत ज्यादा वर्षा आई गंगा जी खूब बढ़ गया उधर पहाड़ों से खूब पानी आता था तो पानी ऐसा जोर से आया केला आश्रम के ऊपर तो कहा केला आश्रम बह जाएगा इतना जोर से पानी आया है केला आश्रम सब बह जाएगा गंगा जी में चले जाएंगे। तो महंत थे उस समय ये बात सुनी हुई है मेरे पूरा पता नहीं है वे खुशी हो गए नाच रहे आज गंगा मैया गोदी में आज तो गंगा मैया गोदी आज माँ की गोदी में जाएगा आज तो माँ की गोदी में खुश हो गए प्रसन्न हो गए आज तो माँ की गोदी में जाएगा आज तो माँ 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 की गोदी में जाएगा आज तो माँ की गोदी में जाएगा ऐसे खुश हो गए। फिर उन पहाड़ों के पत्थर आए जो पहाड़ से पत्थर आकर के और कैलाश आश्रम के पास में लग गए वो पत्थर आ जाने से उनको नहीं बिगड़ा पानी बह गया ठीक।
तो ऐसे खुश मना बोला ठीक है गंगा मैया गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, माँ 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 की गोदी में आ जाए, माँ की गोदी में जाए। ऐसे जो परिस्थिति आती है उसमें प्रसन्न हो जाओ, प्रतिकूलता में प्रसन्न और अनुकूलता में सेवा, दूसरों की सेवा, दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, दोनों से ऊंचे उठे परमात्मा की प्राप्ति। ऊर्जा जो छोड़ दो वो भी कहते हो ये कहां से आई भाई, अरे कुत्ता कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, चिंता आ गई, कुत्ता आ गया। कई संत की बात मैंने सुनी, विचित्र बात, संत से कथा करते थे और कथा करते सुनाते थे, तो भाई बहना बहुत लोग इकट्ठे आते सुनते थे, किसी स्त्री की तरफ दृष्टि पड़ी और मन में आया बड़ी सुंदर है, सब गुजरे शोर रे शोर 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 कुछ खड़े हो जाते, लोगों का हल्ला हो जाए, लोगों ने कहा बाकी भाग्य भाई बस बस बीती शांति बीती खराब नहीं थी, फिर जहां के लिए देखा सुंदर रूप है ये, वो खड़े हो गए शोर 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 खड़े, सब लोग उधर खड़े शोर आ गया, बस भाग सुबह से आराम से कोई अर्थ नहीं है, भाग गया तो कहां ठहरे होता। ये संतों की तरह तरह की युक्तियां हमारा है, अब कौन जाने इन बातों कौन पहचान, मिटे भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुधार हमारे और भगवान की संधि हो गई, चिंता करना तो भगवान को दे दिया, आनंद आ रहा हम मौज तो हम करेंगे, चिंता तुम करो महाराज, जो जाको शरणों लियो साके जाके इलाज, उल्टर से मछली से बह हो जाते गजराज, चिंता दीन दयाल को हम क्यों करें चिंता, चिंता दीन दयाल को तुम्हारे मन से आनंद, हमारे तो आनंद आनंद हमारे पास ही, चिंता चिंता भगवान के पास ही, बंटवारा हो गया हमारे तो बस, अब चिंता वो करो, हम चिंता नहीं करते, हम तो मस्त रहते, काऊ के बल बसिन कर काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाव पसार, इसके बाद सोने का नहीं, इसके बाद निश्चिंत होने का है, नाम जप करते है कीर्तन करते है हरदम है जितना भगवान को याद करते, और काम ही नहीं हमारा, और कोई चिंता ही नहीं, चिंता तो हरि नाम की और उनसे तवेदास भगवान का नाम बोले नहीं बस, और कोई चिंता नहीं, मुझे चिंता शो करे स्वीकाल की पास, क्यों चिंता कर दूसरे रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी बस राम 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 राम, लस्सी जी ने कहा कि नहीं सूरदास के पास बैठो बाबो ओडा ओड आतन परिचित भगवान देखिए मारे तो सोसा उड़ाओ और इसे सरो मोटी मोटी माला ले रहे भजन करो बैठो ये रसोई है मारे रसो उड़ाओ कोई सरो सरो सूरदास के पास बैठो गाओ ओडा ओड आसन पहले ताजा बहुत नशी रहना चाहिए, इन्हें देखो नहीं सही हो गया है, अब तो कीर्तन करेंगे, कृपा काम सब करेगी, आप बीच में हाँ टांग अड़ा दोगे वो कृपा पता लग गया, क्यों अड़ा अपने भगवत आज्ञा के अनुसार जीवन बिता निर्मल निश्चिंत निर्भय निश्चय होकर के मौज में रहे आनंद में रहे आनंद में आनंद में रहे हमेशा रहे भगवान तो मच्छी तो ही गए होने मच्छी तो आप हो जाओ सर्व धनतरेश भगवान कहते सब दिन तर जाएगा तुम चिंता मत कर मच्छी तो वही भाई भगवान में चित है हमारे अपचिंतन भगवान ही करते हैं हमारे कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं कुछ नहीं हमारी चिंता है ही नहीं कुछ चीज नहीं भगवान का चिंतन करो और हमारे काम क्या है अकर्ण निरपेक्ष ऊंचे से ऊंचा कर्ण निरपेक्ष वो है भगवान से उनका चिंता
उसी हमारे वो हमारे बस हमारे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमें अपने लिए कुछ करना ही नहीं है कभी, ना चिंतन है ना ध्यान है ना समाधि है ना जप है, कुछ नहीं करना हमारे लिए। भगवान की याद गुण सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, भगवान की जो कुछ सुनो और मस्त हो जाओ उसमें, हमारे लिए कुछ करना ही नहीं, ये बात है। नारायण 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 मौत बोलो, और कोई बोलो बात हो ना कल्याण काम ना हम क्यों करें, साथ गर्ज हो उसको तो कल्याण करो, और उसका मन है कि नरकों में डाले के नरकों में डालो, दिव्या भूवा ममा सुवासु नरके वा नरकांत का प्रकाम, स्वर्ग में भेजो पृथ्वी भेजो विश्व नरकों में भेज दो, हम नहीं कहते क्यों भेजते हो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी चीज है, मर्जी से करो तुम्हारी चीज है, नरके वा नरकांत का प्रकाम विश्व नरकों में भेजो, मगर आपको याद न अधीर सारदार बिंदु चरणों से मरने की चिंता, मरने जैसी अवस्था में भी आपके चिंता चिंतन आपका होता रहे बस, मत चित्त ऐसी और हमारे कुछ और हमारे कोई काम है कोई धंधा, केवल आप में मन लगाना, आपका चिंतन आपका जप ध्यान करना, और कोई काम नहीं हमारे, और हमारे लिए कुछ करना है ही नहीं, ये बात कैसी बड़ी बात। नारायण 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 नारायण।